अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे, जाओगे खुश होंगे। और आज है जी जो कि हमें हमारा फोर्थ डे। सो ही इज द गैंग जो यहाँ पे बैठे हुए और ये हमें पिक करने आए हैं। और अभी हम जा रहे हैं सायरा की तरफ। राहिब हेलो, बाकी ठीक है बच्चे, ओके। तो बस अभी यहाँ पे लोग मैप का चेक कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी लॉन्ग ड्राइव है आज, बड़ा हेक्टिक होने वाला है। बर्मिंघम हम जा रहे हैं शायद, हाँ नहीं शायद नहीं हकीकत। सुमी खाला की बेटी है वहाँ पे तो मैं उनकी तरफ जा रही हूँ आज। यस और यहाँ पे मैं चेक कर रही थी अपने ग्लासेस को क्योंकि मेरे भाई ने जैसे ग्लासेस देखे, मेरा भाई कहता है इसके ऊपर वाइपर भी लगा लेती तुम, मतलब कि कुछ भी कंफ्यूजन में डालना हो इन लड़कों ने लड़कियों को तो बस कुछ भी अजीब ही बोल देते हैं। फिर सारा रास्ता मैं कंफ्यूज ही रही कि मैं इस ग्लासेस को उतार दूँ पहन लूँ, उतार दूँ पहन लूँ। मुझे अच्छी लगती है बड़ी वाली। अभी हम यहाँ सर्विस स्टेशन पे, सर्विस स्टेशन ही है, सर्विस है बस, इनको सर्विस ही कहते हैं मुझे नहीं पता। सो मोटरवे पे बने हुए होते हैं जैसे हमारे मोटरवे पे बने हुए होते हैं। और यहाँ पे स्टारबक्स है, सबवे है, सब कुछ है खाने पीने का, वॉशरूम का। सो हम वेट कर रहे हैं अभी किस चीज़ का, क्योंकि ये लोग ले रहे हैं कुछ। ओके और ये ड्रेस पहन के ना मुझे ऐसा लगता है जैसे सारे घूर रहे हैं ना। ओके सो थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है मुझे, बट कोई नहीं। और ये वाली स्वीट हमने ले ली है सायरा भाजी के लिए, यहाँ से डोनट्स ले लिए भाई। ओके अम्मी को दिखाऊंगी ना। और वो ये बाजी का किचन है और ये नूर है। और माशाल्लाह जी खाना कोई इतना ज़बरदस्त था कि मुझे मेरी खाला की याद दिला दी, मेरी खाला की बेटी ने, बहुत ही अच्छा खाना था। ये सारा बाजी का आर्ट वर्क है जो बाजी ने खुद से किया हुआ है, ये वाला भी। ओके नाउ वी आर गोइंग अपस्टेयर्स। ये सारा बाजी इतना। अभी हम बनाएंगे चाय क्योंकि जो हमने पहले चाय बनाई है वो चाय कम हो गई थी, तो अब हम दोबारा चाय बनाएंगे। ओके आप उसको दुबा के रखे ना। ओके हम पाकिस्तानी लोग अच्छा देते हैं। जब मैं आई तो ये अच्छा काला था, आप यकीन करेगी ये। और ये इसको मैंने साफ कर 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 करके ना
नाखन घसा, ठीक है। तो ये अच्छा, ये घर मतलब जो मैं थोड़ा बहुत घर दिखा रही हूँ ना, ये उन लोगों को दिखा रही हूँ जो बार बार मुझे टेक्स्ट करके कह रहे थे कि सरबाजी की घर जाओगी, सरबाजी की घर जाओगी। ये नहीं, मैंने अब चाय पीऊंगी। ब्रेड थोड़ी फ्रिज में ना हार्ड हो गई है ना। नहीं, अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। ये अच्छे खासे बच्चे हैं। अभी हम पिएंगे चाय, और ये बाजी की चाय है जो मैं जो मैंने बनाई है और फिर किस्तों में बनाई है। इंसान उस्ताद के सामने वो हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है ना। अब देखें, इन जैसी कुकिंग शुकिंग हम जैसे लोग तो नहीं कर सकते भाई, सच है जो सच है। और बाजी का ये वाला पार्ट मुझे सेक्शन बहुत अच्छा लगा है। और ये मैं अभी हम निकले हैं जी अपने घर के लिए, होटल के लिए, बट फिर हमारा रास्ते में प्लान चेंज हो गया कि भाई की तरफ जाना है, क्योंकि जाविर और राहिब को उतारना था हमने, क्योंकि जाविर का स्कूल था। सो अभी हम पहले जाएंगे लीड्स की तरफ और जाविर को ड्रॉप करेंगे एंड देन गो टू होटल। सो बारिश एकदम से बहुत ज़्यादा तेज़ थी, बट मौसम तबाही वाला था। सो इतना पता भी नहीं चला, टाइम भी नहीं लगा, और हम गाने सुनते हुए और मौसम को एंजॉय करते हुए कब तीन दो तीन घंटे गुजर गए हमें पता भी नहीं चला। अच्छा, ये मैंने कोई रेनबो इतनी बड़ी देखी है, इतनी बड़ी रेनबो शायद मैंने पाकिस्तान में शायद अपने बचपन में ही देखी थी। चलिए जी, इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।